दोस्तों आईपीएल 2024 में आप लोग ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ काम करने होंगे। आप लोगों को क्या काम करना है, किन किन मुद्दों पर बातें करेंगे हम आपको बताने जाने हैं। 2 करोड़ जीती केवल एक टीम से। आप लोग दोस्तों 20-20 टीम लगा लेते हैं और सोचते हैं दोस्तों हम 2 करोड़ जीत ले जाएंगे। ये बिल्कुल दोस्तों बेवकूफी। आप 2 करोड़ 2 20 नहीं, चाहे अपने रिश्तेदारों को लेकर के आ जाएं, चाहे दोस्तों आस पड़ोस के लोगों को लेकर के आ जाएं, पर टीम नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते उसका भी दोस्तों मोटो हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों हम कुछ इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 2 करोड़ जीतने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों टॉस, और दूसरी बात दोस्तों पिच, और तीसरी बात होता है सिलेक्शन परसेंट, और चौथे नंबर आता है ट्रंप प्लेयर खिलाड़ी, और पांचवें नंबर पर रिस्की प्लेयर, और छठवें नंबर पर होता है सीवीसी प्लेयर। और उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करने वाले, हम एक प्रकार से दोस्तों टीम लिया है, टीम ए और टीम बी। हम दोस्तों किस प्रकार से टीम बनाएंगे, केवल एक टीम से दोस्तों हम लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। पर तो दोस्तों हम क्यों नहीं जीत पाते, क्योंकि दोस्तों हम 20 टीम के चक्कर में बिल्कुल पड़े रहते हैं। तो आज हम लोग आप लोगों को एक चीज बताएंगे, किस प्रकार से आप एक टीम से दोस्तों ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुद्दे की बात आती है दोस्तों टॉस। तो हम लोग दोस्तों टॉस पर बात करते हैं। तो दोस्तों टॉस क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिएगा टॉस पर हम अगर बात करते हैं दोस्तों, कोई भी टीम अगर टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेती है, इसका मतलब है दोस्तों कि वो टीम दोस्तों वो पिच किसके अनुकूल है, बैट्समैन के अनुकूल है, इसीलिए तो वो पहले बैटिंग ले रही है। और अगर इसी के विपरीत दोस्तों यहां पर कोई टीम टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेती है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये टीम तो बॉलर के अनुकूल है, और या तो दोस्तों शाम को मैच होने वाला है। T20 मैच भारत में अधिकतर शाम को खेले जाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये कारगर पिच होती, क्योंकि शाम को दोस्तों ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा असर करता है। इसलिए दोस्तों कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले दोस्तों बॉलिंग करने का निर्णय लेती, क्योंकि ड्यू फैक्टर में दोस्तों बॉल को गिरफ्त कराना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और लास्ट में बैटिंग करना आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों टॉस और पिच रिपोर्ट का पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए, और अगर टॉस पिच रिपोर्ट नहीं पता तो दोस्तों ड्रीम 11 में आपको फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है। दोस्तों अब चलते हैं हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। टॉस के साथ पिच रिपोर्ट का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद दोस्तों हम सिलेक्शन परसेंट देखते हैं, आप लोग कहां पर गलती करते हैं, और दोस्तों सिलेक्शन परसेंट के हिसाब से आप लोग गलती करते हैं और आप लोग विनिंग जोन से बाहर हो जाते हैं। तो सिलेक्शन परसेंट पे आप क्या करती हो, गलती करते हैं, जैसे दोस्तों आप लाइनअप घोषित होती है, तो लाइनअप घोषित होती तो हमारे पास जो प्लेयर होते हैं केवल 3 सिलेक्शन परसेंट के होते हैं। एक होता है दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन, जिसे 60 में HSP कहा जाता है, दूसरा होता है दोस्तों योरेस्ट सिलेक्शन पर्सन, जिसे SP कहा जाता है, और तीसरा होता है दोस्तों लोवेस्ट सिलेक्शन पर्सन, जिसे दोस्तों LSP कहा जाता है। 3 प्रकार के सिलेक्शन पर्सन दोस्तों बताए गए। यहां पर दोस्तों हमने ड्रीम टीम की 100+ टीमों को एनालिसिस करने के बाद पाया कि यहां पर दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन, योरेस्ट सिलेक्शन पर्सन, लोवेस्ट सिलेक्शन पर्सन में ज्यादातर दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन में 3 से 4 खिलाड़ी आते हैं ड्रीम टीम में, और योरे सिलेक्शन पर्सन में 4 से 5, और दोस्तों लोवेस्ट सिलेक्शन पर्सन में भी 3 से 4 खिलाड़ी दोस्तों आते दिखते हैं। परंतु आप लोग क्या करते हैं, हमारे पास दोस्तों 22 खिलाड़ी होते हैं। हमारे पास कितने खिलाड़ी होते हैं, हमारे पास दोस्तों 22 खिलाड़ी होते हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं 22 खिलाड़ियों में दोस्तों लगभग दोस्तों वहां पर 7 से 8 खिलाड़ी ऐसे होते हैं दोस्तों जो दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के होते हैं, और उन खिलाड़ियों को आप सब लेकर के जाते हैं, उन हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ियों को आप सब लेकर के जाते हैं, और दोस्तों आप 1 करोड़ की बात छोड़ो, आप विनिंग जोन से दोस्तों बाहर हो जाते हैं। ये दोस्तों हकीकत होती है ड्रीम क्रिकेट पॉट की। दोस्तों यहां पर आओ चलते हैं, हम आपको और भी बताते हैं तो आप लोगों को किस प्रकार से टीम बनानी है, सिलेक्शन पर्सन का क्या मुद्दा होता है, हम सब कुछ बताएंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करना, और दोस्तों वीडियो के अंत तक देखते रहना दोस्तों, आप लोगों को पूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि ड्रीम 11 में #1 रैंक कैसे लाए और 2 करोड़ रुपए कैसे जीते। तो आओ चलते हैं दोस्तों एक और बात की चर्चा कर लेते हैं। पहले
ट्रंप प्लेयर। दोस्तों ट्रंप प्लेयर क्या होता है, ट्रंप प्लेयर कैसे पहचाने, तो ट्रंप प्लेयर दोस्तों हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहेंगे। ट्रंप प्लेयर वो खिलाड़ी होता है, मान लेते हैं कोई भी एक अच्छा खिलाड़ी है, मान लेते हैं सपोज दैट यहां पर रोहित शर्मा या विराट कोहली है। रोहित शर्मा या विराट कोहली आप लोग उनका दोस्तों बैक पूरी तरह से जानते हैं, दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट जानते हैं, उनको अपने देश से जो खेलते हैं वो क्रिकेट में जानते हैं कि रोहित शर्मा और दोस्तों विराट कोहली बहुत ही अच्छी क्रिकेटर है, पर तो वर्तमान में उनका परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से उनका सिलेक्शन परसेंट डाउन हो गया और बहुत कम सारे लोग उन्हें ले रहे, और आप लोग दोस्तों आप लोग भी उन्हें नहीं ले रहे, आप लोग भी हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट पे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे प्लेयर को आप ले सकते हैं, क्योंकि वो जिस मैच में चल जाएंगे तो दोस्तों मैच की रूपरेखा बदल सकती है। तो आप लोग ट्रंप प्लेयर पहचाने कि आज कौन चल सकता है, दो तीन जैसे मैच में दोस्तों मान लेते हैं आईपीएल के मैच में मैक्सवेल के जैसे खिलाड़ी दोस्तों, फैफ डु प्लेसिस जैसे खिलाड़ी, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी दोस्तों नहीं चल पा रहे, तो आप धैर्य मत खोइएगा, एक ही दो मैचों में उन्हें ड्रॉप मत करिएगा, लगातार आप उन्हें कप्तान कप्तान बनाते रहेंगे, एक ना एक दिन दोस्तों 2 करोड़ का दोस्तों आपका सपना है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि सपने दोस्तों दिन में ना देखते हो, आप रात में सपने देखते हो, और सपने सच वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने सच वही होते हैं जो सोने नहीं देते दोस्तों। और चलते हैं रिस्की प्लेयर, रिस्की प्लेयर कौन होता, सबसे बेस्ट दोस्तों ड्रीम इलेवन में हाईएस्ट एक वन रैंक लाने का सबसे जो दोस्तों बेस्ट चीज होती है रिस्की प्लेयरों को पहचाना। रिस्की प्लेयर कौन होते हैं दोस्तों, रिस्की प्लेयर तो एक वो होता है दोस्तों, एक जो न्यू प्लेयर दोस्तों आपकी टीम पर एड होता है, सबसे ज्यादा रिस्की प्लेयर वही होता है, क्योंकि उसका सिलेक्शन परसेंट दोस्तों उसका एस परसेंट बिल्कुल से डाउन होता है, उसमें को दोस्तों बहुत कम लोग लेते हैं, और आप भी उसे रिस्क लेकर के दोस्तों उसको छोड़ जाते हैं, यहां पर आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, आखिर आपको सोचना चाहिए, आखिर इस न्यू प्लेयर को क्यों दोस्तों टीम में शामिल किया गया, कप्तान रहे होंगे, कोच रहा होगा, सिलेक्टर रहे होंगे, सभी दोस्तों रहे होंगे इस न्यू प्लेयर के शामिल करने में, आखिर क्यों इस पिच पर इस न्यू प्लेयर को शामिल हुआ है, क्या हम दोस्तों कप्तान कोच और सिलेक्टर से ज्यादा बुद्धिमान है, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों हमें न्यू प्लेयर को जरूर शामिल किया होगा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों या तो इस न्यू प्लेयर का इस पिच पर अच्छा रिकॉर्ड रहा होगा, या दोस्तों इस तरह की पिच में यह न्यू प्लेयर खेलने के लिए आदि होगा, यही दो कारण होते हैं दोस्तों न्यू प्लेयर के शामिल करने का। दोस्तों इसके बात दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों सीवीसी कंडक्ट का कंप्लीमेंट। दोस्तों यहां पर देखिए सीवीसी, क्योंकि सीवीसी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कप्तान का एक अंक दोस्तों डबल हो जाता है, वहीं वीसी का एक अंक दोस्तों डेढ़ गुना हो जाता है, जो आपकी रैंक में 4 चांद लगा देता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों सीवीसी को दोस्तों हम पूरी तरह से आपको बताएंगे, आखिर सीवीसी आपको किस प्रकार बनाना है, आप लोग दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, दोस्तों हम टीम के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आपको सीवीसी कैसे बनाना है, किस प्रकार से टीम बनानी है, और दोस्तों टीम कितने प्रकार की होती है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों हमारे पास ये टीम है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास टीम है दोस्तों, दोनों ही टीम है, एक टीम का नाम हमने क्या रख दिया ए टीम, और दूसरी टीम का नाम रख दिया दोस्तों यहां पर बी टीम। तो दो टीम होती है, और आपके पास भी दो ही टीम होती है दोस्तों, तो आपके पास दो टीम होती है और 12 प्लेयर होते हैं, और 12 प्लेयर में आपको दोस्तों 11 प्लेयरों का सिलेक्शन करना होता है, 12 प्लेयर में 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो टीम हमारे पास कितने प्रकार की होती है, तो इतनी समय दोस्तों सबसे पॉपुलर गेम जो है T20 है, तो T20 को आधार बनाकर के दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को हम समझाने वाले, पहले टीम दोस्तों 3 प्रकार की होती है हमारे समझ में, अगर दोस्तों आपके समझ में और प्रकार हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। टीम हमारे प्रकार से 3 प्रकार से दोस्तों एडजस्ट होती है, एक होती है दोस्तों स्ट्रांग टू स्ट्रांग टीम, दोस्तों एक होती है दोस्तों स्ट्रांग टू स्ट्रांग टीम, स्ट्रांग टीम का मैच स्ट्रांग टीम से हो, और दूसरी होती है स्ट्रांग टू वीक टीम, दोस्तों स्ट्रांग टीम का मैच दोस्तों एक वीक टीम से हो, और तीसरी बात होती है वीक टू वीक टीम। ये 3 प्रकार की टीम मुझे दिखाई पड़ती है, आप लोगों को अगर इससे ज्यादा प्रकार की टीम दिखाई पड़ती हो तो कृपया दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपकी बातों की मंत्र गणना करेंगे। दोस्तों यहां पर दोस्तों आप समझ लेते हैं, मान लेते हैं दोस्तों यहां पर हम ये मानते हैं कि यहां पर दोस्तों ये टीम हमारी दोस्तों यहां पर ये टीम ए दोस्तों ये स्ट्रांग टीम है, मान कर चलते हैं ये हमारी क्या है स्ट्रांग टीम है, और ये टीम भी ये हमारी दोस्तों वीक टीम है।
आपको क्या करना है दोस्तों, आपको तो 11 ही खिलाड़ी लेना है ना, तो आपको जब 11 खिलाड़ी लेना है, एक टीम हमारे पास स्ट्रांग है, एक टीम हमारे पास वीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कहीं कहीं पर दोस्तों आप एक गलती और करते हैं, उस गलती को भी हम पर्दाफाश करने वाले। एक गलती आप क्या करते हैं, कहीं कहीं दोस्तों आपको जो टीम ए है या टीम बी है आपके दिल में बसी हुई है, आप दोस्तों कहीं कहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस को दोस्तों चाहते हैं, कहीं कहीं दोस्तों बंगलोर को चाहते हैं, कहीं पंजाब से कोई चाहता है, कोई दोस्तों यहां पर कोलकाता को चाहता है, वो चाहे जितनी बेकार टीम हो उसी पर दोस्तों प्रिपेयर करते हैं, उसी के दोस्तों 9 से 10 खिलाड़ी लेकर के जाता है, एट लास्ट में विनिंग जोन से बाहर हो जाता है। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, आप जीत के लिए खेल रहे हैं ना कि दोस्तों आपको दोस्तों #1 रैंक लानी है, तो दिमाग के साथ दिल का स्थिर रखना भी जरूरी होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप लोग गलती क्या करते हैं, मान लेते आपके चहेते विराट कोहली है, विराट कोहली आप लोग विराट कोहली 10 मैच खेलते हैं और 10 में 8 बार दोस्तों वह विनिंग जोन से बाहर रह रहे हैं और दोस्तों डीटी पर नहीं आ रहे हैं, फिर भी दोस्तों आप लोग लगातार दोस्तों विराट कोहली के लेते चले जा रहे हो, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा दोस्तों, आप #1 रैंक इस तरह में कभी नहीं जीत सकते, #1 में आना है तो दोस्तों बड़े बड़े दिग्गजों को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर बड़े बड़े दिग्गजों को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा, और जो रिस्क लेगा दोस्तों वही जीवन में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हो गया आगाज रण का वक्त बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों आप लोग कर्म करते रहिएगा, फल जरूर मिलने वाला है, तो आओ चलते हैं दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। अगर अभी तक दोस्तों वीडियो बड़े ध्यान से नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना, परंतु अब अपना ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित कर लीजिएगा दोस्तों, और चलते हैं दोस्तों हम आपको बताते हैं। यहां पर मान लेते हैं स्ट्रांग टीम है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहां से दोस्तों स्ट्रांग टीम से दोस्तों 7 प्लेयर कंडक्ट करना है और यहां पर दोस्तों 4 प्लेयर लेना है, तो यहां पर हमारे पास 11 प्लेयरों की टीम बन जाएगी। अब दोस्तों बात आती है कि यहां पर विशेषतर क्या होता है, हम आपको बताते हैं यहां पर विशेषतर टीम किस प्रकार बनी होती है दोस्तों। यहां पर विशेषतर टीम ये होती है, ये दोस्तों 5 खिलाड़ी दोस्तों बैट्समैन होते हैं, यहां पर ये 5 खिलाड़ी बैट्समैन होते हैं और 2 खिलाड़ी कम से कम दोस्तों ऑलराउंडर होते हैं, और दोस्तों यहां 4 दोस्तों यहां पर बॉलर होते हैं, ये दोस्तों विशेषतर टीम में देखा गया इस प्रकार का दोस्तों फार्मूला होता है, इस प्रकार से ढांचा होता है टीम का। T20 की बात कर रहे हैं, अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहां पर पिच की बात कर लेते हैं, अब हम यह देख लेते हैं कि पिच कैसी है। पिच भी आपको दोस्तों 3 ही प्रकार की हमें आज तक मिली है दोस्तों, पिच भी 3 ही प्रकार की मिली है, एक तो होती है दोस्तों यहां पर दोस्तों बैटिंग पिच होती है, बैटिंग पिच होती है, और एक होती है बॉलिंग पिच होती है दोस्तों बॉलिंग पिच, और तीसरी पिच हमारे पास होती है बैलेंस पिच। हमको दोस्तों चौथी प्रकार की पिच भी नहीं मिली, आपको अगर दोस्तों चौथी प्रकार की पिच मिली हो तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट सेक्शन पे हमें दोस्तों राय कर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, यह पिच दोस्तों मान लेते हैं बैटिंग पिच है, क्या है दोस्तों ये पिच बैटिंग पिच है, और बैटिंग पिच है, और दूसरी बात दोस्तों, और दोस्तों स्पिन और या पेसर्स 2 प्रकार के बॉलरों को मददगार करने वाली पिच होती है, या तो स्पिन को दोस्तों मददगार करेगी या दोस्तों पेसर्स को मददगार करेगी, यही पिच होती है। मान लेते हैं दोस्तों ये पेसर्स को मददगार करने वाली पिच है, पेसर्स को मददगार करती है, ये पिच ऐसी है। अब दोस्तों यहां पर आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग दिमाग लगाइए, यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है, यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, किस प्रकार से एक यूनिक टीम बनाना है, परफेक्ट टीम बनाना है, और परफेक्ट टीम के साथ साथ दोस्तों कप्तान और कप्तान का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही लाजवाब होना चाहिए आपका। तो यहां पर देखिएगा परफेक्ट टीम किस प्रकार बनेगी, तो दोस्तों यहां पर पिच बैटिंग है, सबसे पहले तो ये देखिएगा पिच बैटिंग है, तो इसका मतलब है कि शुरुआत की दोस्तों आपको बैट्समैन को कम से कम लेकर के जाना ही पड़ेगा, तो शुरुआत की हम क्या करते हैं, शुरुआत के 3 बैट्समैन को हम लेकर के जाते हैं, शुरुआत के 3 बैट्समैन हम ले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर में यहां पर हम क्या करते हैं 2 ऑलराउंडर को ले लेते हैं, और दोस्तों यहां पर उन बॉलरों का दोस्तों चयन करते हैं जो पेसर्स हो, जो पेसर्स हो दोस्तों उन बॉलरों का चयन करते हैं जो पेसर्स के साथ साथ दोस्तों यहां पावर प्ले और दोस्तों डेथ ओवर दोनों में बॉलिंग कराते हो। तो यहां पर हम मान लेते हैं 9 और 10वें नंबर के बॉलर हैं जो पेसर्स भी हैं और दोस्तों यहां पर
पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में बॉलिंग कराते हैं, अर्थात उन्हें T20 में पूरे 4 ओवर फेंकने का मौका मिलता है। इस प्रकार से तो हम टीम बना लेते हैं। अब हमने टीम तो बना ली, अब बात आई हमारे पास 3, 2, 5, 2, 7 लोग यहां पर हो चुके हैं और दोस्तों हम स्ट्रॉन्ग टीम से 7 खिलाड़ी ले चुके हैं। अब बात आती है वीक टीम की। अब यहां पर पिच बैटिंग है, पिच बैटिंग है तो हमें क्या करना है। यहां पर भी दोस्तों, यहां पर दोस्तों 2 ऑलराउंडर होते हैं, सभी किरे में दोस्तों 2 ओपनर बैट्समैन होते हैं। एक विशेषतर देखा गया 100+ टीमों को एनालिसिस करने के बाद पाया गया कि दोस्तों यहां पर दोस्तों 2 ओपनर में एक ओपनर चलता है और एक ओपनर ड्रॉप होता है। तो हम एक ओपनर को छोड़ देते हैं, यहां पर हम 2 खिलाड़ी को ले लेते हैं। तो 2 खिलाड़ी यहां से लिया और दोस्तों 6 से 7 जो ऑलराउंडर हुए, एक खिलाड़ी वहां से लिया और दोस्तों यहां पर देखते हैं कि कौन सा पेसर्स है। और दोस्तों यहां से एक पेसर्स को ले लिया, ये 9वें नंबर का खिलाड़ी, और 4 खिलाड़ी हमारे यहां हो गए और एक यूनिक टीम हमारी 11 सदस्यों की यूनिक टीम हमारी बन गई। दोस्तों तो यूनिक टीम हमारी बिल्कुल बन गई, 7 ये हो गए, 4 ये हो गए। यूनिक टीम 99% लोग बना लेते हैं, यूनिक टीम दोस्तों 99% लोग बना लेते हैं। दिक्कतें कहां पर होती है, जब बात आती है कप्तान, उपकप्तान, सीवीसी कंडक्ट को बनाने की। तो दोस्तों हम सेवे से किस प्रकार यहां पर बनाएंगे, एक दोस्तों स्ट्रांग टीम और एक दोस्तों यहां पर दोस्तों वीक टीम। यहां पर 2 टीम हो गई हमारे पास, एक यूनिक टीम बनकर तैयार हो गई, एक परफेक्ट टीम बनकर के तैयार हो गई। अब हमें दोस्तों बनाना क्या है, कप्तान उपकप्तान। तो दोस्तों आओ चलते हैं, देरी ना करते हुए हम लोग बनाते हैं दोस्तों एक बेस्ट यूनिक कप्तान उपकप्तान, जो दोस्तों आपको लाखों रुपए विन कराएंगे। दोस्तों लाखों रुपए विन कराएंगे और यहीं से दोस्तों आप करोड़ों रुपए विन कर सकते हैं। दोस्तों कप्तान कैसे बनाना है देखिएगा दोस्तों, पिच बैटिंग है, आप लोग दिमाग लगाइएगा दोस्तों, पिच बैटिंग है दोस्तों, यहां पर पिच बैटिंग है। आप लोग क्या गलती करते हो ये दोस्तों हम आपको जरूर बताएंगे, आप लोग गलती क्या करते हैं। पिच बैटिंग है तो यहां पर आप अगर दोस्तों ये 3 दोस्तों यहां पर तुम्हारे पास 3 बैट्समैन आप लेकर के चले हैं और यहां पर एक को दोस्तों आपको कप्तान बनाना हो, और ये भी विशेषतर ध्यान देना है कि शुरुआत में वो बैट्समैन कौन है जो कम बालों में ज्यादा रन बनाता है, उसे दोस्तों हम कप्तान बना देते हैं। अब दोस्तों कप्तान हमने बना दिया और दोस्तों यहां पर ऑलराउंडर या दोस्तों ऑलराउंडर या बॉलर सेक्शन से आपको वाइस कैप्टन बनाना है, ऑलराउंडर या बॉलर सेक्शन से आपको वाइस कैप्टन बनाना है, यहां पर दोस्तों वाइस कैप्टन बनाना है। परंतु तो ये ध्यान देना है ऑलराउंडर कौन सा है, वो ऑलराउंडर की बैटिंग किस ऑर्डर पर आती है इसका भी ध्यान देना है, और उसके बाद दोस्तों वो ऑलराउंडर क्या पूरे 4 ओवर बॉलिंग कराता है, क्या पेसर्स है, उस ऑलराउंडर को वीसी बना देना है। परंतु तो आप लोग कहां पर गलती करते हैं ये बात हम आपको बताने वाले हैं। आप दोस्तों गलती कहां पर करते, गलती आप लोग यहां पर करते, कप्तान आपने यहां पर बना दिया, वाइस कैप्टन आप यहां पर बनाएंगे। आप दोस्तों कप्तान पहले टीम से बना रहे हैं, वाइस कैप्टन दूसरे टीम से बना रहे हैं, गलती है, आप विनिंग जोन से बाहर हो जाएंगे। आप लोगों को गलत समझाते हैं दोस्तों, यहां पर ये मान लीजिए ये आपका वाइस कैप्टन है, ये दोस्तों विपक्षी टीम आपकी, ये अगर बॉलिंग कराएगी तो आपके किसके कराएगी, ये जो आपने दोस्तों बैट्समैन लिया है इन्हीं को तो बॉलिंग कराएगी। अगर दोस्तों यहां पर ये दोस्तों B9 दोस्तों यहां पर विकेट ले लेता है तो यहां से आपको पॉइंट मिल जाएंगे, पर जिसका विकेट लेता था, जिस बैट्समैन का विकेट ले लेता है वहां से आपके पॉइंट घट जाते हैं और आपका दोस्तों कप्तान का कंडक्टर आपकी टीम से अलग हो जाता है, आप विनिंग जोन से बाहर हो जाते हैं। मान लेते हैं कि दोस्तों ये वीसी जो है आपका खिलाड़ी ये विकेट नहीं ले रहा पा रहा विकेट नहीं ले पा रहा तो इसके पॉइंट नहीं बन रहे और ये दोस्तों मारता चला जा रहा, तो दोस्तों आप लोगों का कप्तान के पॉइंट हो जाएंगे, वाइस कप्तान के दोस्तों पॉइंट घट जाएंगे। तो दोस्तों हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि आखिर हमारी स्ट्रांग टीम है तो हमारे बॉलर भी दोस्तों इस वीक टीम के विकेट नहीं लेंगे, तो हमें बॉलर कंडक्ट में जाना है और स्ट्रांग का दोस्तों एक बैट्समैन या ऑलराउंडर को कप्तान बनाना है और दोस्तों अपने बॉलर या ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन बनाना है। और एक बात का बिल्कुल और भी ध्यान रखना दोस्तों, कप्तान कप्तान बनाने समय हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट पर बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों, कप्तान अगर दोस्तों यहां पर सी अगर हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से लेना और दोस्तों आपका जो सिलेक्शन परसेंट होता है वो कप्तान कप्तान का सिलेक्शन परसेंट अलग होता है, तो जिसका सिलेक्शन पर कप्तान में 30+ हो उसे कदापि दोस्तों कप्तान कप्तान ना बनाए। अगर कप्तान हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से बनाना है तो दोस्तों वाइस कैप्टन आपको लोवेस्ट सिलेक्शन से बनाना है, जिसका सिलेक्शन परसेंट दोस्तों 5 से भी
न्यूनतम हो, 5 से भी कम हो। आप लोग दोस्तों यहां पर आईपीएल के मैच चल रहे हैं, यहां पर आप लोगों को देखा 9-10 मैच हो चुके हैं, पर फिर भी दोस्तों आप लोग हर टीम की बात करें, हम दोस्तों हर टीम की बात करें, बंगलोर वर्सेस पंजाब के बीच मैच हुआ, बंगलोर वर्सेस पंजाब के बीच मैच में विराट कोहली कप्तान बने हैं दोस्तों, जिनका सिलेक्शन परसों कप्तानी में 19.1 था, ये कप्तान बने हैं। और पंजाब के दोस्तों एक बॉलर दोस्तों कप्तान बने थे जिसका नाम था हरप्रीत बरार, और जिनका सिलेक्शन परसेंट दोस्तों वाइस कैप्टन में 0.65 था दोस्तों, वो दोस्तों वाइस कैप्टन बने। आप लोगों ने दोस्तों यहां पर आप लोगों ने और भी बहुत सारे मैच देखा होगा, आरआर वर्सेस डीसी का मैच भी देखा होगा, जहां कप्तान दोस्तों रियान पराग बने और वाइस कैप्टन कौन बना दोस्तों, वहां टी स्टब्स दोस्तों वाइस कैप्टन बने। रियान पराग का दोस्तों कप्तानी में सिलेक्शन परसेंट 7.68 था, वही टी स्टब्स का सिलेक्शन परसेंट दोस्तों 1.21 था। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि दोस्तों जितने भी बार दोस्तों हमने देखा और बहुत बार कम पाया दोस्तों कि यहां पर कप्तान दोस्तों बैट्समैन बनते दिखे हो, क्योंकि दोस्तों T20 मैच में एक बैट्समैन को कप्तान बनने के लिए दोस्तों 65 से 70 रन जरूर बनाने पड़ेंगे दोस्तों। अगर वो बैट्समैन है और कप्तान बनना है तो उसे 65 से 70 दोस्तों रन बनाने पड़ेंगे। और दोस्तों यहां पर दोस्तों योरेज देखते हैं, 65 से 70 रन बनाने में 40 से 42 बॉलों का सामना आपको करना पड़ेगा, और 40-42 बॉल का मतलब है 7 ओवर दोस्तों, और 7 ओवर जब आप खेल रहे तो आपका विपक्षी तो भी खड़ा है, वो भी 7 ओवर खेलेगा, तो 14 ओवर जल्दी से दोस्तों 14 ओवर तक कोई बैट्समैन दोस्तों बैटिंग नहीं करता, इसलिए दोस्तों T20 मैच में कोई जल्दी से कप्तान उपकप्तान नहीं बनता। तो दोस्तों अगर दोस्तों इन सभी दोस्तों हमारे फॉर्मूले को अपनाओगे और पूरी तरह से एक टीम बनाइएगा बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही इक्वल तरीके से, तो आप 100% दोस्तों डीटी पर आने वाले हैं, आप 2 करोड़ रुपए जीतने वाले हैं। आपको दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों पूरी तरह से देखना, और अगर दोस्तों कम समय है तो इसका दोस्तों स्पीड आप बढ़ा देना, स्पीड दोगुनी कर सकते हैं, 1.5 गुनी स्पीड पर इस वीडियो को देख सकते हैं, पर एक एक बिंदु देखना। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक प्लेयर टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।